डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से जो है एमएनएस एग्ज़ाम के लिए महामैराथन क्लासेस को स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग आज जीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यही जीके आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, लेकिन ओवरऑल आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल भी जाएं। तो जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन में जो है चारों ऑप्शन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और तरीकों के बारे में सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ये इसके अंतर्गत जीके के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो है सारे सेक्शन के मिला के क्वेश्चन, मिक्सअप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस महामैराथन के क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है मेल्टन रॉक्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, या पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है। अर्थ के सरफेस के नीचे जो चट्टान, जो रॉक्स पिघला हुआ होता है, मेल्ट रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए दिया है बेसाल्ट, ऑप्शन बी दिया है लैकोलिथ्स, ऑप्शन सी दिया है लावा और ऑप्शन डी दिया है मैग्मा। तो मैग्मा उसे क्या बोलते हैं, मैग्मा जो है जैसे अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे या उसके जो है सेंटर की ओर बढ़ेंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे तो उसके टेम्परेचर में वृद्धि होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और जब तापमान बढ़ता जाता है तो तापमान नीचे जाने पर इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी रॉक्स सॉलिड अवस्था में नहीं रह सकता। तो वहाँ पर जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं और उस मेल्ट रॉक्स को हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। यही मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय यही मैग्मा क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे आता है और अर्थ के सरफेस पर इन्हीं मैग्मा के जमाव से जो है इग्नियस रॉक्स आग्नेयशैल बनता है। आग्नेयशैल में जो है इरोजन या अपरदन के प्रोसेस से जो है अवसादी सेल बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक्स से जो है, इग्नियस रॉक्स में जब इरोजन का प्रोसेस होता है, जब उसमें जो है अपरदन का प्रोसेस होता है, तो इरोजन या अपरदन में के कारण उसके जो सेडिमेंट होते हैं, छोटे छोटे अवसाद होते हैं, वह ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट होते हैं और दूसरे स्थान पर डिपॉजिट जब होते हैं तो वह एक लंबे समय के पश्चात वह किस में चेंज हो जाते हैं, तो वह सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाते हैं। तो इग्नियस रॉक्स से इरोजन के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बना और इग्नियस रॉक्स या आग्नेय सेल या सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी सेल में टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी कारणों से जो है वह अपने स्वरूप या अपने नेचर में चेंज करता है, तो फिर क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अगर आप आएंगे तो एक होता है इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स आप आएंगे तो इससे ये बनेगा। बाद में अर्थ के सरफेस के नीचे जब यही रॉक्स जाएंगे तो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से इसमें मेल्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, तो फिर से वो मैग्मा बन जाएगा और मैग्मा जब बनेगा तो वोल्केनिक इरप्शन होगा, तो फिर से वही मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आएगा और उससे क्या बन जाएगा, उससे जो है इग्नियस रॉक्स बनेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब अगर आप आएंगे
तो यहाँ से यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें आपको क्या होंगी दिखाई देंगी, ये जो पैटर्न बनेगा इस तरीके से दिखाई देंगी। इग्नियस से सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक बनेगा, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनेगा, मेटामॉर्फिक से भी सेडिमेंट और इग्नियस बनेगा। ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसी तरीके से दिखाई देगा। और ये लैकोलिथ बेसाल्ट, लैकोलिथ और बेसाल्ट जो है एक प्रकार का लावा या मैग्मा के जमाव से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। बेसाल्ट, बेसाल्ट सामान्यतः जो है लावा के जमाव से बेसाल्ट चट्टान बनता है, और बेसाल्ट चट्टान में जब इरोजन का प्रोसेस होता है, उसमें टूट फूट का प्रोसेस होता है, तो उससे ब्लैक सॉयल बनता है, काली मिट्टी बनती है। अब देखिए हम लोगों ने बात किया किसके बारे में, मैग्मा के बारे में, और मैग्मा से हम लोगों ने कितनी बातें सीखा। मैग्मा से हम लोगों ने रॉक्स के बारे में जान लिया कि मैग्मा जब जमता है तो उससे रॉक्स बनता है। कौन सा रॉक्स? इग्नियस रॉक्स बनता है। इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स से कौन सा रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर एक का मैग्मा, मैग्मा इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ताना रिवर, ताना रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन, ताना नदी में सबसे लंबी नदी है, ताना नदी कौन से देश की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन दिया है फिजी, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी केन्या। तो केन्या, केन्या की लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर या लॉन्गेस्ट रिवर आप केन्या क्या है, ताना रिवर, उस रिवर का नाम क्या है, ताना नदी। ताना नदी जो है केन्या की सबसे बड़ी नदी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोपगेशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंसेड बाई, या रेडियो संकेतों का प्रसार बहुत अधिक प्रभावित होता है, या ये कह रहा है कि रेडियो संकेत जो होते हैं, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वह कौन से परतों में उनका जो है प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ऑप्शन बी है एक्सोस्फीयर, वायुमंडल, ऑप्शन सी है मेजोस्फीयर, मध्यमंडल, ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। तो अगर आप आएंगे तो अर्थ के सरफेस पे अगर आप आएंगे, ये मान लेते हैं अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, तो सबसे पहले जो परत मिलेगा उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर के बाद आयनोस्फीयर, और आयनोस्फीयर के बाद आएंगे तो एक्सोस्फीयर। इस तरीके से जो है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा आपको दिखाई देगा। तो अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहला कौन सा लेयर मिलेगा, ट्रोपोस्फीयर का लेयर मिलेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल, मीजोस्फीयर मध्यमंडल, आयनोस्फीयर आयन मंडल, और एक्सोस्फीयर। तो अगर आप आएंगे तो जो रेडियो तरंगे होती हैं, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वह जो है कौन से परत में दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका कहाँ पे होता है, तो आयन मंडल में, आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगों को जो है रेडियो वेव को क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन ए क्या होगा राइट होगा, उत्तर सही उत्तर होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल का सबसे निचला परत या एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर लेयर कौन सा होता है, तो ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटो, स्ट्रेटो के बाद मीजो, मीजो के बाद आयनो, और लास्ट में एक्सोस्फीयर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड ऑन लोकेटर इज, लोकेटर पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का स्थान पाया जाता है, या ग्लोब पर जो है कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान दिखाई देते हैं। तो
तो ऑप्शन ए है 25 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ, ऑप्शन बी है 5 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो 5 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है ये ग्रासलैंड दिखाई देंगे या उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रकार है। ये कह रहा है कौन सा ट्रॉपिकल घास का मैदान है, तो सवाना जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल या जो है उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड है। तो इस प्रकार इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा गर्म घास का मैदान है, कौन सा ठंडे घास का मैदान है, या इस तरीके से पूछ दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो सवाना जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। बेसिकली घास का खेती इसलिए किया जाता है कि जिससे जो लिविंग स्टॉक होता है या जानवरों का पालन पोषण या उनका विकास किस तरीके से किया जाए, वो उनके अनाज उनके खाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे सिक्स नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द फर्स्ट मानसून इन समर, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि गर्मियों में मानसून जो आता है भारत में, वह मानसून पहला बारिश किस क्षेत्र में करता है। तो पहला बारिश किस क्षेत्र में करता है, तो ऑप्शन ए है ईस्टर्न घाट पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है मेघालय प्लेट्यू। तो वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में जो है, पश्चिमी घाट में मानसून का पहला बारिश या सबसे पहले इंडिया में मानसून का बारिश कहाँ पे होता है, तो पश्चिमी घाट में होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मानसून पूरे भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है। मानसून की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज आपको दिखेंगी। एक जो है अरेबियन ब्रांच, अरेबियन अरब सागर से होके जो हवाएं जाती हैं, जो मानसून जाता है भारत में प्रवेश करता है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी से होके जाती है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो पश्चिमी घाट में सबसे पहले मानसून वर्षा होता है या सबसे पहले मानसूनी वर्षा यहाँ पे पहुँचता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज नोन एज ब्रह्मपुत्र, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो कहने का मतलब अगर आप आएंगे तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी चेमयांगडुंग ग्लेशियर से क्या होता है, मानसरोवर के पास एक ग्लेशियर है चेमयांगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, निकलती है तिब्बत में, और जब चाइना से ये होते हुए आती है तो वहाँ पे इसको यालुन जांगबो नदी या कहीं पे सेंगपो नदी भी बोलते हैं। तो आप आएंगे तो उसको यालुन जांगबो नदी या सेंगपो नदी के नाम से क्या करते हैं, वहाँ पे जानते हैं। भारत में ये जब प्रवेश करती है तो उसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर ऑल वेदर एक्टिविटीज आर अकर्ड, या पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में सभी मौसमी गतिविधियां होती हैं। तो सभी मौसमी गतिविधियां कौन से परत में होती हैं, वायुमंडल में। मैंने बोला कि अगर वायुमंडल के आप जो है सरफेस वायुमंडल के में अगर परतों के स्तर पर जाएंगे, लेयर्स पे अगर आप जाएंगे, तो
तो अर्थ के सरफेस से सबसे पहले ऊपर की ओर जाएंगे या वायुमंडल की ओर, एटमॉस्फेयर की ओर जाएंगे, तो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो के बाद मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद आप आएंगे आयनोस्फेयर, और आयनोस्फेयर के बाद जो है अगर आप जाएंगे तो एक्सोस्फेयर, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और सभी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। किस में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में ही बादल बनेगा, ट्रोपोस्फेयर में ही बारिश होगी, ट्रोपोस्फेयर में ही हवाएं चलेंगी। ये सारी मौसमी गतिविधियां जो होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। उसके अलावा इससे क्वेश्चन और भी पूछता है, समताप मंडल कौन से मंडल में या कौन से लेयर में ओजोन लेयर पाया जाता है? तो ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन लेयर किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन लेयर जो है सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यह अर्थ के सरफेस पर पृथ्वी की सतह पर अल्ट्रावायलेट रेज को आने नहीं देती, आने नहीं देती, जिससे जो है पृथ्वी पर लोगों को स्किन कैंसर से ये क्या करती है? बचाती है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है? सोख लेता है। इसका संबंध किससे है? समताप मंडल से। मौसमी घटनाओं का संबंध किस में है? तो मौसमी घटनाओं का संबंध क्षोभ मंडल से, ट्रोपोस्फेयर से। और आयन मंडल का संबंध जो है रेडियो वेव से है। कौन से वेव से है? रेडियो वेव से। रेडियो तरंगे जो है कौन से मंडल में बहती हैं या कहाँ से प्रसारित किया जाता है? तो आयन मंडल से, आयनोस्फीयर से इसको जो है प्रसारित किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, किस परत में सभी मौसमी गतिविधियाँ? तो सभी मौसमी गतिविधियाँ जो है ट्रोपोस्फीयर में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी या अगर आप आएंगे तो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, और साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आपको जो है वेस्टर्न घाट मिलेगा, आप जाएंगे तो ईस्टर्न घाट मिलेगा। वेस्टर्न घाट में अगर आप जाएंगे तो वेस्टर्न घाट के नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, उसके मिडिल पार्ट को कन्नड़, और जो है साउदर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। ईस्टर्न घाट में जाएंगे तो ईस्टर्न घाट में आपको उत्कल कोस्ट मिलेगा, आंध्रा कोस्ट मिलेगा, कोरोमंडल कोस्ट मिलेगा। तो अगर आप आएंगे तो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज, तो सबसे पहले आइए देखते हैं अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट का, वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट कितनी है? इसका हाइट है 2695 मीटर, 2695 मीटर जो है अनाईमुडी की क्या है? हाइट है। और अनाईमुडी कौन से रेंज में है? अन्नामलाई, अन्नामलाई रेंज में, अन्नामलाई रेंज या अन्नामलाई पर्वत रेंज पे जो है कौन सा हाईएस्ट पीक है? अनाईमुडी। अगर आपसे कहा जाए कि अनाईमुडी कौन से पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, तो अन्नामलाई रेंज पे है। अगर आपसे कहा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, सिचुएटेड है। और वेस्टर्न घाट की भी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, तो सेकेंड हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया का जो है दोदाबेट्टा, क्या नाम है उसका? दोदाबेट्टा। दोदाबेट्टा जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का सेकेंड सबसे ऊंचा पर्वत है। और दोदाबेट्टा कौन से पर्वत पे है? नीलगिरी रेंज पर। नीलगिरी रेंज पर दोदाबेट्टा क्या होगा? आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने
साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक या वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक, उसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट पीक के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, इसका ऑप्शन तो सी सही होगा। अब आते हैं बी ऑप्शन पे, गुरु शिखर। गुरु शिखर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है। गुरु शिखर, गुरु शिखर अगर आप आएंगे तो अरावली रेंज, अरावली रेंज, अरावली रेंज या अरावली पर्वत श्रृंखला, जो अरावली रेंज है या अरावली पर्वत श्रृंखला एक ओल्डेस्ट माउंटेन है। कैसा है? ओल्डेस्ट माउंटेन, बहुत पूछा जाता है। यह वर्ल्ड का और इंडिया का, विश्व का और भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अरावली रेंज का एक्सपेंशन, इसका विस्तार है अहमदाबाद से लेकर यह जो है दिल्ली तक फैला है। कहाँ तक? अहमदाबाद से दिल्ली तक अरावली रेंज का एक्सपेंशन है और यह ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप आएंगे और आपसे पूछा जाए कि अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है, अरावली रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत, तो सबसे ऊंचा पर्वत इसका है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। गुरु शिखर का हाइट है 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी हाइट है। उसके अलावा गुरु शिखर कहाँ पे सिचुएटेड है? यह राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के सिरोही ज़िले में क्या है, ये स्थित है। उसके अलावा अरावली रेंज में माउंट आबू पर जो पर्वत है उसको हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। माउंट आबू जो है जैनियों का एक प्रसिद्ध मंदिर है वहीं पे, तो जैनियों के लिए वो प्रसिद्ध स्थल भी माना जाता है। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो अरावली रेंज जो है विश्व और भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है या ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेज है। उसके अलावा इसका विस्तार अहमदाबाद से दिल्ली तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी या सबसे हाईएस्ट पीक इसका गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। यह जो है राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। माउंट आबू पर्वत अरावली रेंज पर स्थित है और उसी माउंट आबू पर जो है गुरु शिखर क्या है, सिचुएटेड है। तो इस प्रकार देखिए, हम लोग क्वेश्चन एक कर रहे हैं लेकिन उससे रिलेटेड सभी प्रकार के फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग के और भी टॉपिक क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अनाईमुडी जो है क्या है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कंडालेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कंडालेरू बांध किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है, स्थित है। कंडालेरू बांध राज्य आंध्र प्रदेश राज्य में सिचुएटेड है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर इन ईयर इज। कह रहा है कि वह एरिया जहाँ पे एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है या 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, तो वह उस क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये समझ लीजिए, अगर 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर से लेस वर्षा हो रहा है किसी क्षेत्र में,
तो उसको सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है या डिजर्ट एरिया के रूप में। तो डिजर्ट एरिया में जो है 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती। तो अगर आप आएंगे तो मेघालय तो होगा नहीं, लेह इन कश्मीर, तो जो लेह रीजन है वो डिजर्ट एरिया है, कोल्ड डिजर्ट के अंतर्गत आता है। किस में आता है? कोल्ड डिजर्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, या ठंडा मरुस्थल के नाम से। तो इस प्रकार अगर मरुस्थली क्षेत्र में आएंगे, डिजर्ट एरिया में आएंगे, तो वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होता, और ऐसे क्षेत्रों को हम लोग डिजर्ट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो भारत में दो डिजर्ट आपको दिखाई देगा, एक आपको लद्दाख के आसपास दिखाई देगा जो ठंडा डिजर्ट है, और दूसरा जो है थार का मरुस्थल जो है कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो थार का मरुस्थल जो है हॉटेस्ट डिजर्ट है या गर्म मरुस्थल है, और जबकि लद्दाख में आएंगे तो वहाँ पे ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती रिवर, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ क्या है, सिचुएटेड है लखनऊ। तो लखनऊ और जौनपुर ये दोनों शहर आपको गोमती नदी के किनारे क्या बसे हैं, और ये बहुत पूछा जाता है, गोमती नदी के किनारे पूछा गया है। तो लखनऊ और जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के किनारे, वाराणसी अगर आप आएंगे तो यह गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो अगर आप आएंगे तो इस तरीके से जो है चीज़ें आपको क्या होंगी, दिखाई देंगी। तो गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ और जौनपुर, इसमें लखनऊ ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन भी लखनऊ इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की फसल के बारे में पूछ रहा है, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली। तो अगर आप आएंगे सी ऑप्शन गेहूं दिया है, गेहूं जो है खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता, गेहूं को रबी फसल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के आयतन की प्रति इकाई जल वाष्प की वास्तविक मात्रा का भार है, या इज वेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर जो होता है वह वायु में, वायु जो ड्राई विंड होता है उसमें वो कितना परसेंट वाटर वेपर रहे, तो उसे किस नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन वर्षा। तो देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वायु में उपस्थित या वायु में प्रेजेंट वाटर वेपर का क्वांटिटी, कहने का मतलब उस वायु में कितना प्रतिशत वाटर वेपर है। अगर 50% है तो 50% उसकी ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अंतर्गत आएगी, अगर जो है 60% है तो वो 60% आएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब कितना उसमें वाटर वेपर दिखाई दे रहा है या कितना उसमें वास्तविक उसका भार है, तो इसे जो है पूर्ण आर्द्रता के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। कोई भी हवा तब तक जो है वो संतृप्त नहीं होता या कंडेंसेशन तब तक नहीं होता जब तक कि वो पूरी तरीके से संतृप्त न हो जाए, और संतृप्त तभी होगा
जब उसमें वाटर वेपर 100% हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, 100% हो जाएगा। और जब वाटर वेपर का मात्रा 100% हो जाएगा तो वो संतृप्त हो जाएगा और कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन के बाद जो है वर्षा जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि ड्राई एयर में या ड्राई विंड में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा या वाटर वेपर की क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द सॉइल दैट हैव कैपेसिटी टू रिटेन वाटर इज कॉल्ड, जिस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होती है उसे कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी, डिजर्ट सॉइल, रेगुर सॉइल, रेड सॉइल। तो अगर आप आएंगे तो सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता रेगुर सॉइल में होती है, किसमें, रेगुर मिट्टी। और रेगुर मिट्टी को ही हम लोग ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं, या इसे काली मिट्टी बोला जाता है, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी कपास के लिए, कॉटन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉइल होता है, कॉटन का प्रोडक्शन इस मिट्टी में जो है अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है। उसके अलावा ब्लैक सॉइल को हम लोग रीजनल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, रीजनल सॉइल के नाम से, या क्षेत्रीय मिट्टी, क्षेत्रीय मृदा के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रीय मृदा के नाम से जो है रीजनल सॉइल, ब्लैक सॉइल को भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल का नाम रेगुर सॉइल भी है, बहुत इम्पोर्टेंट सॉइल है, बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अगर आप आएंगे रेगिस्तानी मिट्टी या डिजर्ट सॉइल, तो डिजर्ट सॉइल आपको कहाँ पे दिखाई देगा, ये जैसलमेर राजस्थान के क्षेत्र में आपको जो है रेगिस्तानी मिट्टी दिखाई देगा। लाल मिट्टी जाएंगे तो लाल मिट्टी आपको जो है साउथ इंडिया में दिखाई देगा। उसके अलावा लेटराइट मिट्टी जाएंगे तो लेटराइट मिट्टी ऐसे स्थानों पर दिखाई देता है जहाँ पर निच्छालन का प्रोसेस, लीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है लेटराइट मिट्टी में। बेसिकली वहाँ पे वैसे क्षेत्र जहाँ पे जल जमाव होता है, जल जमाव होने के कारण ऊपर के पोषक तत्व तो जो है निचले परतों में चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, रेगुर सॉइल, जिसे ब्लैक सॉइल और जिसे रीजनल सॉइल, या जिसे सॉइल आप कॉटन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, विच रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्रा, सी गोदावरी, डी ताप्ती। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए डेल्टा, जो भी नदियां अरब सागर में या अरब सी में जाके गिरती हैं वो नदियां डेल्टा नहीं बनाती, वो नदियां डेल्टा नहीं बनाती। और जो नदियां बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, वही नदियां क्या बनाती हैं, तो वो नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती। तो आइए देखते हैं, गंगा, गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, समाप्त होता है, तो यह डेल्टा बनाएगा। और यह कह रहा है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, ब्रह्मपुत्र भी जाके क्या हो रहा है, वहीं पर गिर रहा है, गोदावरी भी वहीं पर गिर रही है, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है यह अरेबियन सी में जाके गिरता है। इसके अलावा एक नदी और भी है, नर्मदा नदी, याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं, इसी को तापी भी लिखा जाता है, तो कन्फ्यूज ना होइएगा। तो ताप्ती और नर्मदा ये नदियां जो है अरब सागर में जाके गिरती हैं, और अरब सागर में जाके गिरती हैं तो डेल्टा नहीं बनाती,
ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुअरी बनाती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं वह जो है अपने मुहाने पर एस्चुअरी बनाती हैं, और जो अरब जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां होती हैं वह जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। आइए समझते हैं किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, सिर्फ मान लीजिए गंगा नदी निकल रही है, गंगा नदी निकली बहते हुए यह जाके बेआब बंगाल में क्या हो गई, समाप्त। और जब बेआब बंगाल में गिरी तो यह जो है जब जहाँ से निकलेगी, गंगोत्री से अगर निकल रही है तो गंगोत्री जो रीजन है वो बेसिकली ऊंचाई पर सिचुएटेड है, ऊंचाई पर जब सिचुएटेड है तो वहाँ से जो भी नदी निकलेगी उसका जो फ्लो होगा बहुत तेज़ी से होगा। जब फ्लो उसका बहुत तेज़ी से होगा तो वह अपने साथ बहुत सारा कटाव करेगी, इरोजन करेगी, बहुत सारा कटाव करेगी। जब इरोजन करेगा, अपरदन करेगा, तो वह अपने बहाव के साथ बहुत सारे छोटे छोटे सेडिमेंट या बहुत सारी मिट्टियों को बहा के लेके आएगी, और धीरे धीरे वो क्या करेगी, मैदानी क्षेत्रों से होते हुए बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में पहुंचेगी उसका स्लोप, उसका ढलान क्या होगा, कम होगा, तो वैसे क्षेत्रों में वह जो है उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करना क्या करेगी, शुरू कर देगी, उस सेडिमेंट को डिपॉजिट करना क्या करेगी, इकट्ठा करना शुरू कर देगी। और जब डिपॉजिट करना, इकट्ठा करना शुरू करेगी तो उसके द्वारा जो मैदान डेवलप होता है, प्लेन बनता है, उसको हम अलूवियल सॉयल के नाम से जानते हैं, जलोढ़ मृदा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि अलूवियल सॉयल कैसे बनता है, तो अलूवियल सॉयल नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के जमाव से जो मिट्टी बन, जो मैदान बनता है या जो मिट्टी बनती है उसको अलूवियल सॉयल के नाम से हम लोग जानते हैं, जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा में अगर आप आएंगे तो जलोढ़ मृदा में दो प्रकार के मैदान आपको मिलेंगे, एक मैदान आपको मिलेगा खादर और दूसरा मिलेगा बांगर। एक मिलेगा कौन सा, खादर, और दूसरा मिलेगा बांगर। ये जो खादर होता है इसे हम लोग न्यू अलूवियल सॉयल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, न्यू अलूवियल, और अगर आप आएंगे तो ओल्ड अलूवियल सॉयल। न्यू और ओल्ड अलूवियल सॉयल इस तरीके से क्या होगा आपको दिखाई देगा। जो ओल्ड अलूवियल सॉयल होता है वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो मिट्टी जो या सेडिमेंट का जो साइज होता है उसमें क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं साइज। और जो ओल्ड ओल्ड अलूवियल सॉयल होता है वहाँ पे सेडिमेंट का जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो काफ़ी फर्टिलिटी युक्त होते हैं, मैदानी क्षेत्र होता है, और यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर के विकास की संभावनाएं भी क्या होती हैं, अधिक होती हैं। उसके अलावा जैसे ही ये बे आप बंगाल में प्रवेश करेंगी तो वहाँ पे स्लोप इनका बहुत ही कम हो जाता है, स्लोप कम होने के कारण यह कई धाराओं में इस तरीके से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वहाँ ये कई धाराओं में बटेंगी तो जो धाराओं के बीच ये जो क्षेत्र बचेगा, इस क्षेत्र में ये जो है मिट्टियों को डिपॉजिट करना क्या कर देंगी, शुरू कर देंगे। और मिट्टियों के डिपॉजिट होने से यह कई धाराओं में बढ़ जाता है, और इस पूरे क्षेत्र को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे मिट्टियों का जमाव होता है
वैसे क्षेत्र में पेड़ पौधे उगना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और वहीं पे मैंग्रोव वन भी आपको क्या होगा, दिखाई देगा। सुंदर वन डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदर वन भी क्या होंगे, दिखाई देंगे। या सुंदरी वन, सुंदरी वन उसको इसलिए सुंदर वन बोला जाता है कि वहाँ पे सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसको सुंदर वन के नाम से जानते हैं। जबकि जो अरेबियन सी में नदियाँ जाके गिरती हैं, वहाँ पे स्लोप इतना अधिक होता है कि सेडिमेंट को डिपॉजिट करने का समय ही नहीं होता। सेडिमेंट जो है सीधे बह के कहाँ पे चले जाते हैं, अरब सागर में चले जाते हैं। तो अरब सागर में जाते हैं तो वहीं अरब सागर के मुहाने पर, वेस्टर्न घाट के मुहाने पर, वहीं जब वाटर का बहाव फ्लो तेज़ी से होता है तो वह वैसे क्षेत्रों को कटाव करना शुरू कर देता है। और जब कटाव करता है तो क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है। तो इस प्रकार ताप्ती क्या होगा, सही उत्तर होगा, ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड बाई द डिपोजिट ऑफ सिल्ट ब्रॉट बाई रिवर्स। नदियों द्वारा लाई गई गाद के निक्षेपर से निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट के डिपॉजिट से कौन सा सॉइल बनता है, तो पॉट दिया है, ऑप्शन में रेड दिया है, ऑप्शन में जलोड़ अलूवियल दिया है, ऑप्शन में ब्लैक दिया है। तो अलूवियल सॉइल, मैंने बोला कि अलूवियल सॉइल का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के जमाव से जलोढ़ मृदा बनता है। कौन सा मृदा बनता है, जलोढ़ मृदा बनता है, या अलूवियल सॉइल क्या होता है, बनता है। तो जलोढ़ मृदा कैसे बनता है, तो जलोढ़ मृदा जो है नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के जमाव से अलूवियल सॉइल बनता है। दो अलूवियल सॉइल होते हैं, न्यू अलूवियल सॉइल और ओल्ड अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ ऑल। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, तो कौन सा सबसे बड़ा महासागर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, बी इंडियन ओशियन हिंद महासागर, सी अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, डी अरब सी अरब सागर। चार ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है सबसे बड़ा महासागर, तो ये बताने का ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे तो दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन, इस तरीके से अगर आप आएंगे तो ओशियन क्या किया गया है, सबसे बड़ा महासागर या सबसे बड़ा ओशियन प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड अनटच्ड एबिलिटी। अब जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, भारतीय संविधान से है, पॉलिटी से है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अछूत क्षमता को समाप्त कर दिया है, या विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश्ड अनटच्ड एबिलिटी, अनटचबिलिटी को किसने समाप्त किया, छुआछूत के बारे में बात बोल रहा है। आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 जो है अनटचबिलिटी से नहीं है। आर्टिकल 16 कहता है
कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यह जो है पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है अपॉर्चुनिटी के स्तर पर इक्वालिटी का बात करता है, तो आर्टिकल 16 नहीं होगा। आर्टिकल 17, तो आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को क्या करता है, समाप्त करने की बात करता है। और अनटचेबिलिटी से संबंधित अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यों में संलिप्त है तो उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 कहता है कि सेक्स, रिलीजन, बर्थ, इन सभी आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेस पर। और आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है, एबोलिस्ट ऑफ टाइटल्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी या छुआछूत की जो भावनाएं इंडियन सोसाइटी में थी एंशियंट टाइम में, उसको समाप्त करने का बात करता है, उस पर कानूनी कार्यवाही करने की बात करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ये सभी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, किससे? मूल अधिकारों से संबंधित है। और मूल अधिकारों को कौन से पार्ट में रखा गया है? पार्ट 3 में रखा गया है। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? तो आर्टिकल्स आएंगे 12-35। उसके अलावा अगर कहाँ से इसको बोरो किया गया है तो इसे अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट या संकल्पना को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो नंबर या टाइप ऑफ एफआर, टाइप ऑफ एफआर में अगर आप आएंगे तो करंट में या 1978 के बाद जो फंडामेंटल राइट्स हो गए वो 6 टाइप के हो गए। कौन कौन से? एक राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14-18 या समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19-22। उसके बाद आप आएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25-28। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29-30। और आर्टिकल 32 में रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया। इस प्रकार ये 6 मूल अधिकार, 6 फंडामेंटल राइट्स क्या करें हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। एक आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी जो एक मूल अधिकार के रूप में रखा गया था 1978 में, 44 अमेंडमेंट या 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया? लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बनाने के बाद इसे पार्ट 12 भाग 12 के अनुच्छेद 300A या 300 क में रख दिया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन पूरे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। और इसी से क्वेश्चन क्या करना है आपके आने। तो इस प्रकार आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 270, ऑप्शन बी
आर्टिकल 280, ऑप्शन सी 226, ऑप्शन डी 245। चार ऑप्शन हैं, 270, 280, 226, 245। तो अनुच्छेद 280 में फिनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और इस समय 15वां आयोग, 15th फिनेंस कमीशन कार्य कर रहा है। 15 फिनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, एनके सिंह, बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एनके सिंह। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट फिनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के चेयरमैन थे। इसको याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। फिनेंस कमीशन का टर्म कितना होता है? तो इसका समय 5 वर्षों का होता है। इसके चेयरमैन एंड मेंबर, अध्यक्ष और सदस्यों को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको अपॉइंट या नियुक्त जो है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग से संबंधित हम लोगों ने इतना फैक्ट्स देखा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो वित्त आयोग एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है कि डीपीएसपी निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 35, 36, 37, 38। तो अगर डीपीएसपी के बारे में आप आएंगे तो डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यह जो है इसमें इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? 36 से स्टार्ट है और 51 तक है। तो 36 से है तो इसका मतलब 35 दिया है, ये तो नहीं होगा। तो यह जो है क्या होगा? FR के अंतर्गत होगा, क्योंकि 12 से लेके 35, 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 35 FR है, ना कि DPSP के अंतर्गत है। DPSP 36 टू 51 पार्ट कौन सा है? तो इसके लिए पार्ट है पार्ट 4। इसे कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और यह जो है स्टेट का ड्यूटी है, स्टेट का क्या है? ड्यूटी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट का ड्यूटीज क्या है, तो DPSP है। हम लोगों ने DPSP से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया, और लेकिन उससे संबंधित हम लोगों ने 10वें क्वेश्चन को क्या किया, 12वें क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटिंग, द एज ऑफ वोटिंग वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने का जो उम्र था उसको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए है 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 60वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी है 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 62वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी है 61st या 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 65वां संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा,
61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वोट करने की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 28 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले वोटिंग करने का अधिकार के लिए जो उम्र सीमा थी 21 वर्ष थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज गिवन पावर्स बाय, भारत के राज्य सचिव को किसके द्वारा अधिकार दिए गए थे। द एक्ट ऑफ 1909 1909 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1919 1919 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1858 1858 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1968 1968 का अधिनियम। तो अगर आप आएंगे तो सचिव का किसके द्वारा अधिकार दिए गए, तो इसे जो है 1858 के अधिनियम द्वारा सचिव को क्या कर दिए गए, अधिकार दे दिए गए। अगर आप आएंगे तो 1857 में जो है एक व्यापक स्तर पर अंग्रेजों के अगेंस्ट में 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ। हालांकि उसमें जो है इंडियन को जो है विजय तो नहीं मिला, लेकिन काफ़ी हद तक जो है उनको आंदोलन करने के तरीके को चलाने को लेके क्या मिला, सीख मिला, और उन्होंने ब्रिटिशर की नींव को क्या कर दिया, हिला दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज कवर्ड अंडर द 93rd अमेंडमेंट एक्ट। तो 6 to 14 ईयर, 6 से 14 वर्ष जो है कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए राइट ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी राइट टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ऑप्शन सी राइट टू पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार। और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार। तो अगर आप आएंगे तो ये आएंगे तो राइट टू सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, यह भी आर्टिकल 21 में है। राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने का अधिकार। तो यह अधिकार जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हुज डिसीजन इज फाइनल डेट पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल। किसका निर्णय अंतिम होता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है। तो कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी पार्लियामेंट संसद, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष। तो अगर आप आएंगे कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, यह कौन बताएगा, तो यह लोकसभा अध्यक्ष बताएगा, स्पीकर बताएगा कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। तो धन विधेयक या मनी बिल के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। 110 में मनी बिल को सबसे पहले जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में जाता है लोकसभा के पास, लेकिन लोकसभा के कंपेरिजन में राज्यसभा को पावर प्राप्त नहीं है। इस प्रकार अगर आप आओगे तो लोकसभा के पास यह अधिकार है कि वह लोकसभा अध्यक्ष के पास या स्पीकर के पास कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन
एज अ फंडामेंटल राइट्स, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में देखता है? 84th अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन, 85th अमेंडमेंट, 85वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट, 86वां संशोधन, 87th अमेंडमेंट, 87वां संशोधन। तो अगर आप आएंगे तो 86वां संशोधन, 86वां संशोधन जो है यह जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स की बात करता है और प्राइमरी शिक्षा का भी बात करता है। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये तीनों बातें जो है 86th अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था, ऐड किया गया था। 21A में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। आर्टिकल 45 में क्या बनाया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक कि राज्य का कर्तव्य है कि वह उनके लिए शिक्षा का व्यवस्था करे। और फंडामेंटल ड्यूटीज में 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें यह बताया गया कि 11वें मूल कर्तव्य में यह बताया गया है कि माता पिता या पेरेंट्स का यह ड्यूटीज है या कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करे। तो इस प्रकार ये तीनों बातें जो है 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा किया गया 2002 में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल डज नॉट नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है? मनी बिल, धन विधेयक, फर्स्ट क्लास फाइनेंस बिल, प्रथम श्रेणी वित्त विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन बिल, राज्यों के निर्माण के संबंध में विधेयक। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। सबसे पहले तो आप इसको जो है ऑप्शन ए मनी बिल, फर्स्ट क्लास फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और राज्यों के निर्माण के संबंध में बिल। तो अगर आप आएंगे तो इसमें ऑप्शन होगा बी, फर्स्ट क्लास फाइनेंस बिल, प्रथम वित्त श्रेणी वित्त विधेयक। इसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति का जरूरत नहीं है। बाकी धन विधेयक, संविधान संशोधन बिल और राज्यों के निर्माण के संबंध में बिल, इनके लिए राष्ट्रपति की अनुमति पड़ती है। तो इस प्रकार ए सी डी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 डेट इस्टेब्लिश जोनल काउंसिल डिवाइडेड द कंट्री इन टू जोन्स। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करता है देश के राज्यों को कितने विभाजित में करता है, तीन भागों में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में बांटा गया था। तो तीन ग्रुप में जो है राज्यों के कैटेगराइजेशन किए गए थे। इस प्रकार 29 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इज डिस्क्राइब्ड द इन द आर्टिकल। उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना लेख में वर्णित है, कौन से आर्टिकल में है? तो यह बात आर्टिकल 63 में बताई गई है। 63 के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दो कार्य होता है। एक कार्य क्या है, एक कार्य यह है कि वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति अगर जो है देश में उपस्थित नहीं है तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। दूसरा कार्य यह है कि वह राज्यसभा का चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा, सभापतित्व के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अंडर विच रीड्स द कोर्स साउट टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन द कोर्ट
सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग और इन कस्टडी। न्यायालयों ने किस रीट के तहत लापता या हिरासत में संदिग्ध व्यक्ति को अदालत में पेश करने की मांग की? मैंडमस, क्यो वारंटो, प्रामाणिक, हैबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के तहत जो है यह बात किया जाता है, तो 31 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 32, अंडर आर्टिकल 330 to 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग द भारतीय संविधान की कल्पना 330 से 342 के अनुसार से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति होगा नहीं, इलेक्शन कमीशन होगा नहीं। उसके बाद बचा लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, भारत के विधायिका मंडल। ऑप्शन बचा स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज। तो अगर आप आएंगे तो यह बात जो है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, कुछ वर्ग से विशेष जातियों के बारे में या विशेष वर्गों के बारे में बात किया गया है। एससी एसटी इसी के अंतर्गत आएंगे, तो आपको आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए मिलेगा। 338 जो है एससी कमीशन, कमीशन फॉर एससी और कमीशन फॉर एसटी 338 ए से संबंधित है। तो इस प्रकार कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, इस प्रकार इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द लेजिस्लेटिव काउंसिल सिक्योर्ड द राइट टू डिबेट ऑन द बजट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। विधान परिषदों ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार सुरक्षित किया? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। तो अगर आप आएंगे तो इसमें जो ऑप्शन होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त किया ब्रिटिशर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड्स इकोनॉमिक प्लानिंग, या निम्नलिखित में से किस सूची में आर्थिक नियोजन शामिल है? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, उपरोक्त सभी। तो अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन क्या किया गया है, शामिल किया गया है, क्योंकि आर्थिक नियोजन का कार्य सिर्फ केंद्र या केंद्र ही नहीं करता बल्कि आर्थिक नियोजन का कार्य जो है राज्य भी करता है। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है आर्थिक नियोजन का कार्य करते हैं। इस प्रकार 34 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 क्या कह रहा है विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेज ऑफ प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कौन सा लेख स्वतंत्रता को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में वर्णित करता है? तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो आर्टिकल है राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो इसके लिए आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 25 to 28, अनुच्छेद 25 से 28। तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म से संबंधित संस्थान में आप जा सकते हैं, या उसके अलावा किसी भी धर्म से रिलेटेड मुद्दों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के टैक्स का कलेक्शन नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें जो हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बताई गई है, और यह आर्टिकल जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार या आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है व्हेन वाज द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट
ड्वेलर्स एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, भारत में पारंपरिक वनवासी अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2003 में क्या किया गया? लागू किया गया। तो इस प्रकार आएंगे तो आप इन्वायरमेंट से संबंधित क्या किया गया था, ये बात किया गया था। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।